तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं रोशन राज HD चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई बनाने के लिए। आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बना सकते हो अभी घर बैठे, और साथ ही साथ में घर बैठे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो अभी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर अभी तक आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना था कि यहाँ पर आप जाति निवास आए या कोई भी बनाते हैं सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर आधार में मोबाइल नंबर लिंक होता था तभी बना पाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस अपडेट हो गया है। सर्विस अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक हो अथवा नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा फिर भी आप बना सकते हैं बिना OTP वेरीफाई के। तो इसमें कैसे बनाना है इसमें मैं सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पहले आपको यहाँ पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से अपना आईडी बनाकर यहाँ पर जाति निवास आय करेक्टर OBC EWS सभी डिटेल आप बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप अपना आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड बनाने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। इस वाले आईडी पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे ये वाला बॉक्स में इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा गया है, आप अपना टाइप करेंगे, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाइएगा, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर मेनू का सेक्शन है, इस पर आपको अप्लाई फॉर सर्विस है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इतने सारे सर्विसेज, इनमें से कोई भी आप बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाति एवं निवास आए कोई भी बना सकते हैं, या EWS या करेक्टर OBC कोई भी आप इसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बताऊँगा। तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पर टाइप करना है कास्ट। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर कास्ट लिखेंगे और यहाँ पर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चुनना है RO लेवल। यहाँ पर इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल, यानी ब्लॉक में यही आपको जाति निवास बनता है। तो यहाँ पर निवास बनाने के लिए मैं आपको एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उस निवास बनाना हो तो आप उस वाले वीडियो को देखेंगे और निवास बना सकते हैं। मैं इसमें जाति बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पर RO लेवल पर क्लिक करेंगे सेकेंड वाले सेक्शन में। इसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको बारी बारी से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जेंडर है, पहले यहाँ पर स्त्री या आप पुरुष का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अभिवादन का सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है आपका, ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम हिंदी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इस तरह से आप नाम लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे और स्पेस तो ऑटोमेटिक हिंदी में। उसी तरह से यहाँ पर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर हस्बैंड का नाम अगर होंगे तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एक डाल लेना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, अगर ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना राज्य का नाम सेलेक्ट करें यानी स्टेट। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम। इसके बाद यहाँ पर अनुमंडल यानी कि आप सब डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रखंड यानी ब्लॉक का नाम, आपका जो भी ब्लॉक होगा अपना सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप स्थानीय निकाय में आएंगे, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत होगा तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। अगर नगर परिषद में रहते हो तो नगर परिषद सेलेक्ट करेंगे। मैं ग्राम पंचायत में रहता हूँ, ग्राम पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर वार्ड नंबर अगर आपके पास याद है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पंचायत होगा। इसके बाद यहाँ पर गांव मोहल्ला का नाम लिखेंगे, जो भी आपका गाँव का नाम होगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना थाना का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी थाना होगा यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड अपना टाइप करेंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा। इसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता जो लिखा गया इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान पता जो प्रेजेंट लिखा गया है यहाँ पर ऊपर के जैसा ही अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेम एज पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक आवेदक का फ़ोटो लगाना है जिनका आप बना रहे हैं। फ़ोटो लगाएंगे यहाँ पर, और फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर आपको पेशा सेलेक्ट करना है आप क्या करते हैं। तो इसमें से आप सेलेक्ट करें, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद वर्ग यानी कैटेगरी आप अपना जाति सेलेक्ट करें, अत्यंत पिछड़ा अनुसूची अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जाति का नाम सेलेक्ट करेंगे, आप अपना जो भी आपका जाति होगा आपने टाइप कीजिएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर जाएगा।
इसके बाद आपको नीचे आना है फिर से, और यहाँ पर आपको एक कैप्चा बॉक्स ये शो हो रहा है ग्रीन कलर का, इसको आप इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे इस तरह से। इसके बाद प्रोसीड का सेक्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो मैंने डिटेल यहाँ पर फिलअप नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं पहले डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर आना है, यहाँ पर आप प्रोसीड कर लेना है। जैसे यहाँ पर ओके करेंगे, आपको ओके करने के बाद आपको पेज आगे का ओपन होगा। पेज इस तरह से आपका ओपन होगा। अभी तक जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ से आप पूरा मिलाने के लिए आ जाएगा। जो भी आपका डिटेल है आप पूरा मिला लेंगे। अगर आपका डिटेल कहीं गलत है तो आप यहाँ पर एडिट सेक्शन पर जाके आप सुधार कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ डिटेल सही है, यहाँ पर अटैच एन एक्सपर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड कोई मांगा जाएगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दस्तावेज पर सेलेक्ट करेंगे तो इनमें से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। आपको वो डॉक्यूमेंट देना है जो आपने सेलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर आधार सेलेक्ट किया तो आधार यहाँ पर मैं डाला हूँ। इसके बाद सेव एन एक्सपर, तो वहाँ पर आपको सेव एन एक्सपर पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल अभी तक जो आपने डाला है सभी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर जो आप जिसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपका रिसीविंग है, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो बनाए हैं उसका एक प्रूफ है, यहाँ यानी कि एक रिसीविंग है। यहाँ पर आपको डेट दिया हुआ रहता है किस दिन आपको डाउनलोड होगा। यहाँ पर आप सेवा प्रदान की तिथि लिखा हुआ रहता है, जिस दिन आपको डेट दिया होगा उसी दिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से उस वाले वीडियो को देखकर आप खुद से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको प्रिंट करके ये वाला पेज रख लेना है। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा।